के इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने लोग जुड़े हैं उन सबको आशीर्वाद देते हैं। एक बात जरूर मैं आपको इस मंच से कहना चाहूंगा, ये चातुर्मास हो रहा है, एक बात ध्यान रख के चलना। कई बार लोग ये चर्चाएं करने लगते हैं, चौमासा हो रहा है, इतना रुपया आएगा कहां जाएगा, आया है नहीं जाएगा कहां, पहला सवाल, आएगा कहां जाएगा, गुनायतन तो नहीं जाएगा। कान खोलकर सुन लो, आज तक किसी भी स्थान पर किसी भी चातुर्मास में गुनायतन के पास एक रुपया भी किसी संस्था का नहीं गया है, ना जाएगा। जहां भी चातुर्मास हुए हैं वहां जो भी हुआ वहीं रहा। प्रदीप भाई कितने करोड़ बचे तुम्हारे यहां? 2.5 करोड़ रुपया अजमेर में इनके पास बचा, वहीं लग गया। दाया जी आपके यहां कितना बचा? खूब बचा, इतना बचा कि बता नहीं पा रहे, बहुत बचा, इनने तो लगा लिया पता नहीं। लेकिन रतलाम वालों, पैसा बचाने के लिए चौमासा मत करना, धर्म प्रभावना के लिए चौमासा करना। और ये संदेश मैं इसलिए दे रहा हूं, कुछ लोग धुआं उड़ाते हैं, गुनायतन ने आज तक कहीं एक रुपया गुनायतन में नहीं गया, बल्कि सारे चातुर्मासों का 80% दान गुनायतन के सदस्यों का रहा है। ये गुनायतन के लिए गौरव की बात है। और जो गुनायतन से जुड़े हुए लोग हैं वो विशुद्ध धर्मात्मा लोग हैं, उनने इतने सालों में जितना दान गुनायतन के लिए दिया है उससे कई गुना दान हमारे अन्य कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए दिया। सब हाथों हाथ लिए रहते हैं, इसलिए गुनायतन को कम मत आंकना। गुनायतन किसी का मोहताज नहीं है, वो व्यक्ति भाग्यशाली है जो गुनायतन से जुड़ा है। ये तुम्हारे आत्मगौरव की बात है। दिगंबर जैनों का पहला संगठन जिसमें 10,000 से ज्यादा पंजीकृत सदस्य हैं और सब सेवा भाव से समर्पित लोग हैं, ये तुम्हारा गौरव है। और गुनायतन जब बनेगा तो जो भी देखेगा दांतों तले उंगली दबाए बिना नहीं रहेगा। यहां 600 संस्थापक सदस्य है गुनायतन के, उसमें 350 ने यहां उपस्थिति दी है, ये बहुत बड़ी बात है, ये रिकॉर्ड है। आप सोचो, और पूरे रोज आएंगे, बहुत है। आप कहते हैं महाराज रोज सुनते हैं, वो आता है गुनायतन ट्रस्टी, गुनायतन ट्रस्टी, भैया मेरे प्रति जिसका ट्रस्ट है सब ट्रस्टी है, और वो ही रोज आते हैं। सब ट्रस्टी जुड़े हैं, लोग आगे से आगे आकर के अपना अपने जीवन को कृतार्थ महसूस करते हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं संदेश देता हूं, कहीं कहीं भी थोड़ा भी धुआं उड़े तो उसको ठीक कर देना।